Hi everyone, this is Veronica. आज हम बात करने वाले हैं स्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जिसको रिसेंटली इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया गया है इको सेंसिटिव जोन क्या होते हैं इससे इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को क्या फायदा होगा ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे बिकॉज आई फील टू क्या फेसबुक इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा बाकी उत्तराखंड स्टेट एग्जाम्स के स्मार्ट कोर्सेस स्टडी आई के पास अवेलेबल हैं चाहे उत्तराखंड पी हो गया एस सी, टी टी जी के आप कॉल करके या हमारी वेबसाइट विजिट करके इन कोर्सेस के बारे में डिटेल जानकारी ले सकते हैं अब देखिए जो भी हमारे फ्लैगशिप स्पीशीज हैं जैसे कि मस्क डियर की यहां पे हम बात कर रहे हैं इसके हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये डिसीजन लिया गया है कि इस सेंचुरी को हम इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करेंगे आई एल टेल यू व्हाट इज़ इको सेंसिटिव जोन लेकिन उससे पहले अगर आपको मालूम है ऑलरेडी क्योंकि इस पर मैंने पहले भी लेक्चर्स बनाए हैं आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं तो ये जो एस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कहाँ है उत्तराखंड में पित्तौरगढ़ वाला जो एरिया है वहाँ पर ये सेंचुरी है जहाँ पर इसको डिक्लेयर किया गया और ये प्रिंट मीडिया में भी ये आप न्यूज़ देख सकते हैं विलेज़ के लिए भी अच्छा होगा सेंचुरी के लिए भी अच्छा होगा उत्तराखंड इंडिया के मैप में यहाँ पे उत्तराखंड है और उत्तराखंड में यहाँ पे पित्तौरगढ़ वाला एरिया और यहाँ पे ये यह सेंचुरी है और यहाँ पे आ, मस्क डियर की पॉपुलेशन जो है वो पाई जाती है लेकिन अब ये अनुमान लगाया जाता है कि मस्क डियर की जो पॉपुलेशन है उसमें डिक्लाइन देखा गया है अब ये जो नोटिफिकेशन आया है इसमें इन्होंने क्या किया इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो टोटल एरिया है उसमें से कुछ एरिया कम कर दिया रिड्यूस कर दिया अराउंड 146 फोर्टी सिक्स स्क्वायर किलोमीटर्स Uh, इस एरिया में क्योंकि कुछ 111 विलेजेस आ रहे थे गांव आ रहे थे गांव के एरियाज आ रहे थे उनको इको सेंसिटिव जोन से बाहर रखा गया है अब इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पहले गांव थे अब उन गांव की वजह से क्या हो रहा था कि ह्यूमन इंटरफेरेंस इस सेंचुरी में बहुत ज्यादा थी अगर ह्यूमन इंटरफेरेंस होगी तो आपको एनिमल ह्यूमन कंफ्लिक्ट देखने को मिलेगा पोचिंग देखने को मिलेगा अलग अलग चीजें तो इसलिए गाँव को इससे कट ऑफ कर दिया गया इको सेंसिटिव जोन में उनको शामिल नहीं किया गया और रीज़न यही है ह्यूमन इंटरफेरेंसेस को कम करने के लिए ताकि ह्यूमन ज्यादा इंटरफेयर ना करें इसलिए अब ये इस स्टेट की पहली सेंचुरी हो गई है जहां पे कोई भी विलेजेस इसके अंदर नहीं है इसको ग्रीन पैराडाइज ऑन अर्थ कहा जाता है कहाँ पे है पित्तौड़गढ़ से फिफ्टी फोर किलोमीटर नॉर्थ ऑफ पित्तौड़गढ़ पित्तौड़गढ़ के फिफ्टी फोर किलोमीटर नॉर्थ वाले एरिया कुमाऊँ रीजन में ये एरिया है 1986 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था इस्टैब्लिश करने का रीज़न भी मस्क डियर था इसको प्रोटेक्ट करना कि इस हिमालयन और भी बाकी रेयर हिमालयन स्पीशीज जो हैं उनको प्रोटेक्ट करना उनके नेचुरल हैबिटाट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो बनाई गई थी uh, तो यही मैंने आपको रीज़न बताया कि प्रेजेंस ऑफ विलेजेस जो इस सेंचुरी में था उस वजह से हम देख रहे थे कि काफ़ी ज्यादा डिस्टर्बेंसिस एनिमल्स को उनके हैबिटेट्स को हो रही थी कन्फ्लिक्ट जो हैं वो हो रहे थे क्योंकि अगर 111 विलेजेस कहने की बात है कि पूरे रीजन्स में थे तो बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस अनेचुर एक्टिविटीज़ मैन वाइल्ड लाइफ कंफ्लिक्ट आपको देखने को मिलेगा और अब इस नोटिफिकेशन से क्या फ़ायदा होगा क्या क्या चीज़ें कंट्रोल होंगी कि गांव के लोग सपोज अपने जो लाइफ स्टॉक है उनको लेके जा रहे हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक्सेसिव ग्रेजिंग हो रही थी अब वो कंट्रोल होगी फायर इंसिडेंसेस आपके कम होंगे और लैंड माइनिंग और इंडस्ट्रीज और अपना जैसे जैसे धीरे धीरे डेवलपमेंट करते करते अपना एरिया बढ़ाते जाते हैं तो अब यहाँ पे उनके इंटरफेरेंस से भी हम इस एरिया को बचा पाएंगे और एनिमल्स को प्रोटेक्शन दे पाएंगे क्योंकि बाउंड्रीज इसकी डिफ़ाइन हो गई हैं कि कौन कौन सी इको सेंसिटिव जोन में है तो आपको इकोलॉजिकल इन्वायमेंटल बायोडावर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दिखेगा कि इस एरिया को कंजर्व किया जा रहा है और प्रोटेक्ट किया जा रहा है नेक्स्ट देखिए इस सेंचुरी में अराउंड ट्वेंटी सिक्स बायोडाइवर्सिटी की बात अगर हम करें ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड प्लांट्स हैं टू फिफ्टी बर्ड्स थर्टी सेवन मैमल स्पीशीज किस तरह के जिस तरह से लो स्नो लैपिड हो गया हिमालयन ब्लैक बियर हो गया हिमालयन ताहर ब्लू शीप सेरो मास्क डियर के साथ साथ इस तरह के और भी इम्पोर्टेंट स्पीशीज और काफ़ी बायोडावर्सिटी पाई जाती है फोना स्पीशीज़ में आप देखेंगे लूंग मोनल ये कलिज फिसंत चीर फिसंत इस तरह के आपको फोना स्पीशीज में भी एनिमल्स दिखेंगे और ये क्लियरली इसकी बायोडावर्सिटी दिखाता है अब हम बात करते हैं मास्क डियर इसके लिए स्पेशली ये एरिया को प्रोटेक्ट किया जा रहा है मस्क टियर जो है ये स्पीशीज़ आपको हिमालयस में मिलेगी नेपाल भूटान इंडिया पाकिस्तान चाइना हिमालयन मस्क टियर मिलेगा आपने सुना होगा कि डियर के पेट से ही नाभि से ही खुशबू आती है और डेयर उसको पूरे जंगल में ढूंढता है तो ये वही मस्क डियर है एंडेंजर्ड uh, लिस्ट किया गया इसको आई रेड लिस्ट में और सीरियस पॉपुलेशन डिक्लाइन की वजह से ये डियर जो है सुबह सनलाइट से पहले और शाम का जो समय है डॉन तब ज्यादा एक्टिव होता है यूज़ुअली ये ड्यूरिंग द डे आपको डेंस कवर में ही नजर आएगा अब ये किसी तरह के सीजनल माइग्रेशन डियर नहीं करते एक ही एरिया में रहते हैं चाहे हाश वेदर कंडीशन भी हों शाये एनिमल है सुन के समझ जाता है कि कहाँ से खतरा है वहां से भाग जाता है जंप करता है लीप करता है सिक्स मीटर्स के डिस्टेंस पे और हिमालयन मस्क डियर प्रोजेक्ट भी आपका चल रहा है जिसको 1981 में लॉन्च किया गया था इस एंडेंजर्ड मस्क डियर को सेव करने के लिए क्योंकि एक्सटेंशन की कगार पे आ गया था क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको बताया कि इसका ये जो मस्क इसकी खुशबू जो है एक पॉड इसके पेट में रहता है तो इसके लिए इसको पोच किया जाता है इसको मारा जाता है इसकी हंटिंग होती है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स में उसकी परफ्यूम्स बनती हैं और बहुत ही महंगे प्राइस में वो बिकता है तो लोग इनको मारना चाहते हैं और फिर वो पॉड निकाल के बेचते हैं वैक्स लाइक -like मटीरियल उससे निकलता है आ, अभी रिसेंटली केदारनाथ में भी एक डी हैं उन्होंने मस्क uh, डियर का फोटो वहाँ पे खींचा क्लिक किया इलेवन थाउजेंड फीट की हाइट पे तो खैर अभी फिर से इनका सेंसस होना बाकी है वही सेंसस हमको क्लियरली बता पाएगा कि इनकी पॉपुलेशन अब कितनी रह गई है कितने खतरे में है तो देखिए ये जो मैं आपको इसकी खुशबू वाली बात बता रही हूँ मेल डियर जो रहता है उसके एबडमिन में ये मस्क ऐसे रहता है जो स्वीट अरोमा बहुत अच्छी खुशबू जो है देता है इसकी कॉस्मेटिक वैल्यू भी है परफ्यूम्स में भी यूज़ होता है और फार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टीज भी हैं उसकी जिसके लिए इसको मारा जाता और मार्क प्रा, है और मार्केट प्राइस देखिए एक किलोग्राम मस का फोर्टी फाइव थाउजेंड डॉलर इंटरनेशनल मार्केट में और एक पॉड से आपको ट्वेंटी फाइव ग्राम्स ब्राउन वैक्सी सब्सटेंस जो है वो मिलता है तो ह्यूज कॉस्ट है एकोलॉजी के लिए भी अगर इस तरह से एनिमल को मारा जाएगा टू कलेक्ट दैट पॉड और फिर उसको इंटरनेशनल मार्केट में और यही रीजन है इसकी वजह से इसकी पॉपुलेशन एक्सटेंशन पर भी चली गई अब मैंने आपसे पूछा था इको सेंसिटिव जोन ई e एस जी इको इकोलॉजिकली फ्रिजाइल एरियाज भी इनको कहा जाता है और इनको नोटिफाई कौन करता है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो आपके ऑलरेडी प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उनको ही इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाता है नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज प्रोटेक्टेड एरियाज और इससे क्या होता है कि ये एरियाज इको सेंसिटिव जोन शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं कि एटलीस्ट यहाँ पे किसी तरह का डिस्टर्बेंस ना हो इसको रेगुलेट मैनेज यहाँ पे हम एक्टिविटीज को कर सकें अब नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ जो है उन्होंने इको सेंसिटिव जोन्स साइट स्पेसिफिक एरियाज़ में घोषित किए हैं और अलग अलग के यहाँ पे रेगुलेशंस जो हैं वो रहते हैं मेन यही रहता है कि इन एरिया को रेगुलेट करो ह्यूमन इंटरफेरेंस कम हो तो क्या एक्सटेंट रहता है आपका इको सेंसिटिव जोन का दस किलोमीटर तक जा सकता है ये एरिया और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्ट्राटेजी के अंदर जरूरी नहीं है इसको 10 किलोमीटर ही रखेंगे यूजुअली मतलब एज़ पर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्ट्रेटी 2002 थाउजेंड टू लेकिन डिपेंड करता है अगर वो एरिया उसमें ज़्यादा ही सेंसिटिव कॉरिडोर्स हैं कनेक्टिविटी इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट पाचेज हैं तो हम इस दस किलोमीटर से एरिया को एक्सटेंड भी कर सकते हैं इको सेंसिटिव जोन को बढ़ा भी सकते हैं तो यही था आज का पूरा करंट अफेयर देखिए इसे इस पर मैंने पहले भी कुछ लेक्चर्स बनाए जैसे असम में दिप और बील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी नोटिफाई किया गया था इको सेंसिटिव जोन सेंटर ने इको सेंसिटिव जोन नोटिस दिया था थाने क्रीक फ्लैमिंगो सेंचुरी को इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट भी आप देखिए 2021 तो इस तरह की न्यूज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग अ मोस्ट लाइकली प्लेसेस टू फाइंड मास्क डियर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट आई थिंक इट विल बी इजी फॉर यू नाउ एस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गंगोत्री किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मानस नेशनल पार्क तो टोल्ड यू हिमालयन रीजन में है तो उस हिसाब से आप अपना आंसर यहाँ पे लगा सकते हैं या टेलीग्राम पे पोल में पार्टिसिपेट कीजिए बाकी कोर्सेज की जानकारी के लिए आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं काफ़ी कोर्सेस ई पे भी अवेलेबल हैं फ़ायदा ले सकते हैं उस चीज़ का थैंक यू सो मच